पाउडर पर किसको मर्ज कर ले। आय हाय हाय दामाद की कंगना में पाता रे। बैक टू माई चैनल। सो गुड मॉर्निंग, नॉट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। रात को हमारी थी रिसेप्शन और हम आते आते बहुत लेट हो गए। वहीं पर ही हमें 3 o'clock बज चुकी थी। आते आते चेंज वेंज करके सोते सोते हमें 4 बज गई थी। तो अभी हो चुका है आफ्टरनून, 2 बज चुकी है और हम उठ चुके हैं। और आज जो है हमें जाना है, मतलब हरमीता और मुझे और सबको जाना है मेरे घर, मतलब करनाल वाला घर, पगफेरे की रस्म के लिए। सब कुछ हो चुका है, शादी रिसेप्शन सारे कामों से हम निपट चुके हैं। अब हमें जाना है रिसेप्शन के लिए। और जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, रिसेप्शन में हरमीत ने मुझे जो है आईफोन 14 प्रो जो है गिफ्ट किया था। सो मैं ये वाला व्लॉग जो है उसी फ़ोन में बना रही हूँ, आप क्लैरिटी से देख ही सकते हैं। और अभी हरमीत गए हैं नीचे, उसके फ्रेंड्स आए हैं मिलने के लिए क्योंकि उन्होंने वापस जाना है। तो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, शावर ले लेती हूँ, रेडी होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और कल मैंने हेयर स्टाइलिंग करवाई थी, इसीलिए ना मैं सोच रही हेड वॉश कर लूँ एक बारी। तो मैंने ये केयरलुक्स का लिया था, शैम्पू और मास्क। मैं आज इससे अपना हेड वॉश करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि इससे कैसे जो है स्मूथ होते हैं बाल, होते हैं या नहीं होते हैं, क्या रिजल्ट रहता है। और इसका मैंने सीरम भी लिया था सेम ही ब्रांड का। तो शैम्पू, मास्क और सीरम तीनों चीज़ें यूज़ करके फिर मैं आपको इसका रिजल्ट ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत रिव्यूज़ मिले थे कि बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए मैंने परचेज़ किया है। और इसका रिव्यू मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मैं नहा के रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके बाय, ऑल सेट टू गो। हेलो दोस्तों, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, मतलब अभी मैंने ऐसे ही नाइट सूट पहन लिया है और मैं जा रही हूँ नीचे। 3 बज गई है, लंच ब्रंच जब मर्जी कह लो वो करने जा रही हूँ। हरमीत का भी कॉल आ गया, जल्दी आओ, सब वेट कर रहे हैं। तो मैं नीचे जाके पहले जो है लंच कर लेती हूँ, उसके बाद ऊपर आऊँगी। मैंने सूट निकाल दिया, मैं आपको आके दिखाती हूँ मैं क्या सोच रही हूँ वेयर करने के लिए। उसकी कुर्ती थोड़ी सी लूज़ हो गई है, मतलब तो मैंने यहाँ पे साइड में मम्मा ने दी है उसको फिटिंग कराने के लिए, तो आती है तो फिर मैं वेयर करके फिर मैं आपको अपनी वेयर हरमीत की फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके दोस्तों, आपको ना इसका रिजल्ट बताना भूल गई। तो मैंने अभी शैम्पू और मास्क लगाया तो है, एक दिन में वैसे कहाँ ही इतना रिजल्ट पता चलता है, बट मैं कंटिन्यूसली इसको लगाऊंगी और आने वाले ब्लॉग्स में, वीडियोज़ में आपको बताऊंगी कि इसका कैसा रिजल्ट है। वैसे मुझे अपने बाल बहुत स्मूथ लग रहे हैं मास्क लगाकर, जैसे होता है ना उलझने नहीं पड़ी हो, एक बार ही कॉम करूँगी तो वो निकल जाएगी। तो अभी मैं थोड़ा सिरम भी लगा लेती हूँ, बाकी एक्चुअल रिजल्ट जो इसका है वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। भाभी जी नहीं, भाभी जी नहीं, यहाँ से मैं कंटिन्यू करती हूँ। मेरी भाभी जी अब घर पर है और वो बहुत थक चुकी है इतने फंक्शंस, सब कुछ ड्रेसेस वगैरह डाल के। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये स्पेशल इन्होंने मुझे मसाज दी है कि हम इनको मसाज दे रहे हैं। देखो हम कितनी परवाह करते हैं अपनी भाभी की, ये मसाजर हम अपने हाथों से दे रहे हैं, स्पेशल मेरे लिए मंगवाए हैं। और ये कह रही है भाभी आप बैठो, आप आराम करो, मसाज लो आप अपनी, बहुत मजा आ रहा है। लग रहा है पैरों में ना कुछ नीचे से गुदगुदी कर रहा है। मैं करूँगी, मतलब आप ये लगा लो कि आपके वहाँ जो करनाल वाले है ना, आपके दोस्त वगैरह, उनसे ज्यादा हम आपका ध्यान रखते हैं। ये तो है मान, सबसे ज्यादा है। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? सबसे ज्यादा हरमीत से भी ज्यादा मेरा जो ध्यान रखता है वो है मेरी सिम्मू, प्यार। ये सिर्फ ब्लॉग में इसलिए मेरे को बोल रहे नहीं, 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 नहीं। मैं बहुत प्यार करती हूँ सिम्मू को। अब इतने प्यारे हो तो फिर करना बनता है। एक मेरी सूट ब्लॉग आज बताओ सिमरन, देखो पता है मेरी ना एक फ्रेंड थी सिमरन, बिल्कुल डिटो कॉपी तेरी जैसी। जब मैं तेरे को देखती हूँ ना, मेरे को तेरी उसकी बड़ी याद आती है। हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में। ब्रेकफास्ट और लंच जो भी लगा लो, परांठे बने थे बहुत टेस्टी और राजमा राइस बने थे, वो भी खा लिया है। लाइट बड़ी कम है यहाँ की। हाँ, तो मैंने मम्मा से पूछा कि मैं क्या पहनूँ, तो मैंने ना ये वाली पिंक वाली साड़ी निकाली है अपनी, ये वाली साड़ी, क्योंकि मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम अपने घर जा रही हूँ। तो मम्मा कह रही थी अच्छे से पूरा अच्छे से रेडी होके जाइए, तो मैंने ये साड़ी निकाली है। और मम्मा से पूछ के मैंने हरमीत के भी कपड़े निकाल दिए हैं, हरमीत के कपड़े ये। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। हरमीत के अभी भी फ्रेंड्स आए हुए हैं, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ और जब हरमीत आएगा तो वो रेडी हो जाएगा, फिर दोनों रेडी होके हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। ओके, और मैंने बाल भी स्ट्रेट करने हैं, मैं दी से ना स्ट्रेटनर मांगती हूँ नीचे जाके।
और ये मैंने ना ये पहना था, मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा मेस्ड अप हुआ पड़ा है। मैंने ये पहना था अभी, ये क्रॉप है और क्वाड सेट है ये, और ये लहंगा जो है जो मैंने कल अपनी रिसेप्शन पे पहना था वो अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका बैग नीचे पड़ा है। ओह अब जाना, अभी हरमीत को बोलती इसका बैग लेके आएगा, इसको पैक करके साइड में रखते हैं। तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपसे रेडी होने के बाद। न्यू अपडेट दोस्तों, मेरे जो नेल्स है ना, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये सारे नेल मेरे खराब हो चुके हैं, और ये वाला नेल तो मेरा टूटने भी वाला है, ये साइड से ही देखो, क्योंकि मुझे दोबारा नेल्स कराने पड़ेंगे, क्योंकि जो गाने खेलने वाली रस्म थी ना उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ही प्रेस कर दिए थे अपने नेल्स, तो इसलिए सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं। और मैं भी रेडी हो रही हूँ, हरमीत भी आ गया, ऊपर वो भी रेडी हो रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि शादी के बाद फर्स्ट टाइम अपने घर जा रही हूँ। वैसे तो मम्मा कल भी मिले थे मुझे रिसेप्शन पे, बट एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है ये, जाऊंगी, बात करूंगी मम्मा से, मिलूंगी सबसे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बेस्ट फीलिंग है ये। ये फेज़ हर किसी की लाइफ में आना चाहिए, तो आई एम वेरी 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 हैप्पी, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ मैं, और बस ऐसे ही सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे। तो रेडी होके फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। साड़ी मैंने बांध ली हुई है, सिर्फ पल्लू लेना रह गया है, और मैंने अपना हेयर स्टाइल गजरे वाला ही खुद बनाया है, बस बीच में थोड़ा सा सिंदूर भर लेती हूँ, फिर लुक कंप्लीट हो जाएगी। आप मुझे बताना कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा ना स्पेस दिख रहा है देखो यहाँ से, मैं इसको ना पाउडर्ड वाले, जो पाउडर वाले में आता है ना सिंदूर, उससे भरती हूँ। हो नहीं रेडी? नहीं, बस हो गई। शाम के इस टाइम 5:30 हो चुके हैं। मम्मा को हमने टाइम दिया था हम 3 बजे आ जाएंगे कल। हाँ। अभी कितने बजे हैं? 5:30। 5:30 मतलब लेट लतीफ एज यूजुअल। कभी टाइम अभी भी गए, अभी भी रेडी हो रहे हैं मैडम, हो ही रहे हैं, और जाने में करनाल 1.5 घंटा तो लगेगा। टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, मेरी मम्मा को पता है, वैसे दुल्हन हमेशा टाइम लगाती है, दुल्हन टाइम लगाती है, पता ही है। वैसे मैं आपका आउटफिट दिखाना चाहती हूँ, और कुछ रह गया? परफ्यूम नीचे आके लगा लेना, आ जाओ, बहुत अच्छा पड़ा है। लाइट्स ऑफ यहाँ से कर दो, चलो। अच्छा भाई ने क्या डाला है? पिंक मैचिंग हुई आज है। रूम को इग्नोर करना, रूम की गंदगी को। बहुत प्यारे लग रहे हो बाहर से, वही बाहर आके तो और ज्यादा। घर जाने की खुशी है बहुत ज्यादा, ये साड़ी डाल उसकी खुशी। अब ये जाने की तैयारी हो गई, भाभी उतरेंगे तो सारे उतर जाएंगे। मैं ऊपर ये क्या आई हूँ कि एवरीथिंग इज गुड, बस लिपस्टिक थोड़ी लाइट है। साड़ी मैंने है बस ऐसी बांध ली, बांध तो ली है ना, शुक्र है बांधी, मेरे को अभी तक नहीं आती बांधने। मैं क्या मेरी रोटी इधर मार, इधर ये सासू मां मार ना मेरी रोटी को, मैं तैयार से होके आ गई, जुड़ा जड़ा करके वे केड़ा सा। हां हां सेम सेम हॉट पिंक, इसकी आवृत्ति हल्का सा डॉट डॉट पर इसको मर्ज कर ले। आय हाय हाय, ये बनाओ, ओए वो ये लगाना, पतली कमरिया बोले आय, बोल ले क्या, कैसी लग रही हूं मैं? तुम लग रही हो आत वो कौन सी भूल की बात कर रहे हैं गाने के अंदर? मैं वैसे बता रही हूँ, कोई भी भूल लो, वो कौन सी भूल की बात कर रहे हैं गाने के अंदर? अच्छी वाली भूल है, वो अच्छी वाली भूल है, कोई नहीं, जो मम्मा ने बोला उस पर भी गौर दिया जाए। इधर इन्होंने ना दोनों थाली के वो रख लिए, संभाल लिए, यहाँ उधर भी ना हो इधर भी ना हो, आपको जूम करो एक बार, मोटा मून आया मेरा, मोटा मून है, आपके लिप्स आ रहे हैं, आपके लिप्स आ रहे हैं, लेडी गागा, लेडी गागा। आउटलाइन मैंने कर ली हुई है, अब हम इसका करेंगे फिलर।
क्या करेंगे? आइज देख रहे हो जरा भाई कैमरे में? कैमरे में आइज देख रहे हो? ये कलर मजा आया मेरे को, आगे मजा कलर। ये चीज मांग रहे थे ना ऊपर। क्या बात है, आप भाई ना झलक, लिपस्टिक बहुत लाइट थी वो, मुझे था बड़ी बड़ी नजर क्यों होती है सुहागन की निशानी मांग बिंदी सुहागन से काजल बोल रही हूँ मंगलसूत्र सूत्र और चूड़ा चूड़ा तो बड़ा बड़ा लगता है ना। उसके बाद आते हैं इधर गजरे पे, गजरा गजरे दोनों एक्सपेरिमेंट। कैसे बिल्कुल एकदम अनमैरिड से मैरिड जाके कितना चेंज हो जाता है ना, डालना पहनना भी सब चेंज हो जाता है। अब लिपस्टिक अच्छी लग रही है शा। इधर ये मदर इन लॉ, मैं मदर इन लॉ बोलूं मदर बोलूं, ये मम्मा भाभी को प्यार कर टाइट करना है। क्या कह रहे थे भाभी? मम्मा जी रेडी करते हुए बड़े वाला बेटा पहन लेना इशारे। एक मिनट आपको बोलो ये डाल कर। मम्मा सुनो, मैं तेरा मंगलसूत्र थोड़ा सा नीचे कर रही हूं, इसके साथ बड़े वाला डाल लूं, छोटे वाला रहने देती हूं। क्या बोलते हो दोनों पहन ले हैं? ये सारी ना लूज लूज है, रिंग डब्बी पड़ी है सारी, फिर मेरे हाथ से निकल जाएंगे देखो। सुनो, कोई नहीं सुनता आपकी। सुनता ही नहीं यार, मैं बेइज्जती बताऊंगी। दोबारा बुलाना, मैं देखती हूँ जैसे पता नहीं। हेलो, वो भैया सुन रहा है, भैया दूसरा कोई और सुन रहा है, वो मुझे देख भी रहा फिर भी नहीं सुन रहा। एक मेरा फोन कर दो एक बार। ए भाभी, ए भाभी सिमरन कहां थे उस दिन? गाड़ी में रखी थी जो। अच्छा आगे करो, ये देखो सरप्राइज देने के लिए कैसे छुपे बैठे हैं, दो गेट पे, दो बेड़े में, दो पौड़ियों में। ईशा मासी आ रही है। मेरा मेकअप
दोस्तों आई एम बैक और अभी जो है 1:30 बज रहा है। हम घर से अपने जल्दी निकल गए थे, मतलब आई गेस 11:30 11:30 पहुँच गए होंगे, पर हम नीचे बैठे हुए थे सारे, मम्मा और जीजू और दी और, तो गपशप कर रहे थे। तो आज का व्लॉग यहीं पर ही मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप जो पगफेरे की रस्म थी उसकी जो वीडियोस क्लिप्स मैंने डाली हैं जितनी भी बन पाई वो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड वायरल माय वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। और आप और भी कैसी कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय।